Hello friends, this is Rahul. Welcome back to CATS Trailers Auto CAD Tutorial Series. So friends, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असेंबली मॉड्यूल. सो असेंबली में हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे रेडियल असेंबली. जैसे कि आपके सामने ये रोटेट हो रही है, ऑर्बिट हो रही है, इसे कहते हैं रेडियल असेंबली. ओके, सो इसके सब पार्ट्स हैं कुछ जिनको हम बना के देखेंगे. देख लेते हैं कौन कौन से इनके सब पार्ट्स हैं. ये देखिए पिस्टन है जो हमने बना लिया था पहले, और इस तरह से हमारे पास असेंबली आएगी. इसके बाद हमारे पास ये है आर्टिकुलेटेड रोड, इसे हम कनेक्टिंग रोड भी बोल सकते हैं. तो इसके बाद आता है हमारे पास ये सारे सब पार्ट्स आते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है रोड बुश अपर आ रहा है, रोड बुश लोअर आ रहा है, पिस्टन पिन प्लग आ रहा है, पिस्टन पिन आ रहा है, पिस्टन रिंग आ रही है जो पिस्टन के अंदर असेंबल होगी, और मास्टर रोड बेयरिंग है जो मास्टर रोड के अंदर असेंबल होगी. देन हमारे पास लिंक पिन है जो सभी को लिंक करेगी. ओके, इसके बाद आता है हमारे पास मास्टर रोड. तो ये हमने बना लिया था मास्टर रोड और हमने पिस्टन कंप्लीट कर लिया था. तो अभी जो हमें बनाना है वो क्या बनाना है, आर्टिकुलेटेड रोड बनाना है और हमें ये सारे सब पार्ट्स बनाने हैं. तो आइए इन सबको पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम असेंबली करेंगे किस तरह से हम इसे असेंबली करते हैं. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए हमारे पास टॉप व्यू दे रखे हैं, ये हमारे पास इसका प्रोजेक्टेड व्यू दे रखे हैं, और इसके बाद हमारे पास सेक्शन व्यू दे रखे हैं. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे डायमेंशंस ऑलमोस्ट टॉप व्यू में सारी दिख रही हैं आपको. हमारे पास जो सर्कल्स लेने हैं, हमें रेडियस लगाना है, हमें अंदर वाला स्लॉट बनाना है, और हमें जो डिस्टेंस दे रखे हैं वो सारे के सारे टॉप व्यू में दे रखे हैं. साइड व्यू में हमें जस्ट क्या दे रखे हैं कि एक्सट्रूड कितना करना है, हर एक स्लॉट को हमें हर एक प्रोफाइल को कितना कितना एक्सट्रूड करना है वो यहाँ पे दे रखा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं. हमें सबसे पहले क्या बनाना है, स्केच बनाना है. सो स्केच बनाने के लिए अगर हम इसे ओरिजिन मान लेते हैं तो सेंटर पे हमारे पास क्या दे रखे हैं, दो सर्कल दे रखे हैं, 24 का और 15 का, और उसके साथ ही सेंटर से डिस्टेंस दे रखा है दूसरे सर्कल का 178. तो यहाँ पे 35 का और एक 24 का सर्कल दे रखे हैं. ओके, और अंदर से एक स्लॉट दे रखे है. सो अंदर वाले स्लॉट की डायमेंशन क्या दे रखी है, हमें डिस्टेंस दे रखा है 130 का, टोटल लेंथ इसकी 130 है, और उसके बाद रेडियस कितना दे रखा है 5 mm का. इट मींस ये कितनी हाइट है इसकी, 10 mm की हाइट है. जो आउटर लेंथ आ रही है, आउटर बाउंड्री आ रही है, उसकी लेंथ कितनी है मेरे पास, 18 mm है. सो ये मैं ड्रॉ कर लूंगा, उसके बाद साइड व्यू से देखेंगे कि मुझे एक्सट्रूड कितना करना है हर एक स्लॉट को. ओके, सो पहले मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ. सर्कल है मेरे पास दो, 24 और 15 के, उसके बाद 178 कोमा 0 पे 24 और 35. सो यहां से मैं क्या करता हूँ, इसे स्टॉप कर लेता हूँ. मेरे पास ये टॉप व्यू आ रहा है, और यहां से मैं क्या करता हूँ, न्यू ड्राइंग ओपन कर लेता हूँ. वीडियो चाहे तो ऑफ कर सकते हैं, और इसे पैन करके मैं मूव कर लेता हूँ. सी एंटर 0.0 फर्स्ट आ जाएगा सर्कल मेरा 24 का, डी एंटर 24 करेंगे, सी एंटर अगेन एट द रेट 0.0, और डी एंटर 15 का सर्कल आ जाएगा हमारे पास. अगेन जेड एंटर, ए एंटर अप्लाई करेंगे तो ये हमें प्रॉपर स्क्रीन पे विजिबल होने लग जाएगा. अगेन सी एंटर 178.0, और उस पर कितना सर्कल आया था मेरा, डी एंटर 35 का. ओके, एक सर्कल मेरे पास ये आ गया, और देन मेरे पास सी एंटर अगेन एट द रेट 0.0, तो लास्ट पॉइंट पिक कर लेगा वो, और डी एंटर 24 का. सो मेरे पास कितने कितने सर्कल थे, ये देखिए दो सर्कल मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं. तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 24 15 का था, और 35 24 का था. डिस्टेंस मैंने 178 ही लिया था. देन अभी मेरे पास क्या है, देखिए ये सर्कल आ रहा है रेडियस 5 का, तो डिस्टेंस कितना दे रखा है, 20 का, और देन उसके बाद 130 की लेंथ है मेरे पास. तो मैं 20.0 और 150.0 पे दो सर्कल लगा के लाइन ज्वाइन करके ये स्लॉट कंप्लीट कर सकता हूँ. तो मैं ये चीज भी बना लेता हूँ. तो सी एंटर 20.0 पे मैंने एक सर्कल लगाया, 5 का रेडियस है जिसका. सी एंटर 150.0 पे मैंने एक और सर्कल लगाया जिसका रेडियस अगेन 5 है. सो एल एंटर, अब इन दोनों को मैं ज्वाइन कर लूंगा. सो मैंने ये ज्वाइन कर लिया, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे ट्रिम कर देते हैं. यहाँ से इसे मैंने ट्रिम कर दिया, और जो मुझे नहीं चाहिए उसे मैं इरेज भी कर दूंगा. ओके, सो मैं एक अब क्या कर रहा हूँ, सेंटर लाइन ले रहा हूँ. देखिए ये चीज मेरे पास आ गई, ये स्लॉट कंप्लीट हो गया. अब मुझे 18 की जो लेंथ दे रखी है इसे कंप्लीट करना, तो सेंटर से लाइन लेके मैं इसे
9 mm इस साइड और 9 mm इस साइड ऑफसेट कर दूंगा तो 18 की लेंथ आ जाएगी मेरे पास। उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिलेट लगा लूंगा 4 × R24 दे रखे, इट मीन्स चारों कॉर्नर पे मेरे पास 24 mm का फिलेट लगी हुई है। ओके सो इसके बाद मैं इसे बना लेता हूँ एल एंटर 0,0 और 178,0। मैंने ये लाइन लगा ली, ऑफसेट ले लूंगा मैं 9 mm का बोथ साइड बिकॉज मुझे 18 का डिस्टेंस क्रिएट करना है, और एफ एंटर आर एंटर 24 का रेडियस भी मेरे को दे रखा था, एम एंटर फॉर मल्टीपल टाइम्स। तो मैं चारों कॉर्नर पे फिलेट लगा लूंगा, मुझे एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम करने की भी जरूरत नहीं है। तो यहां से मैं ये चीज कंप्लीट कर लूंगा और इस लाइन को मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये मेरा पोर्शन जो है सारा कंप्लीट हो गया है। अब इसे मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रूड कर लेता हूँ, मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ और एक्सट्रूड वैल्यू देख लेते हैं कितना करना है। देखिए ये वाला सेक्शन आ रहा है, अंदर से होल है, साइड वाले सेक्शन को मेरे को एक्सट्रूड करना है कितना, 28 mm। सो अगेन मैं जैसे मैंने मास्टर रोड को किया था हाफ बना के मैंने उसे मिरर कर दिया था, इसी तरह से मैं इसमें प्रेस पुल यूज करूंगा। सो सिलेक्ट दिस पार्ट एंड एक्सट्रूड इट अप टू 28 है तो हाफ कितना हो जाएगा 14। सो मैंने इसे 14 mm एक्सट्रूड कर दिया। देन अगेन मुझे ये वाला पोर्शन एक्सट्रूड करना है, सो यहाँ से देख लेते हैं कितना एक्सट्रूड करना है, ये 42 है तो मैं इसे 21 एक्सट्रूड कर दूंगा। सो प्रेस पुल 21। अब मुझे ये वाला एरिया एक्सट्रूड करना है तो इसे कितना एक्सट्रूड करना है यहाँ से देखते हैं। देखिए ये बाहर वाला मेरे पास जो स्लॉट दे रखा है ये 18 mm है, और अंदर वाला जो स्लॉट है ये वाला इसे 5 mm एक्सट्रूड करना है जैसे मैंने मास्टर रोड में किया था। ओके सो इसी तरह से हम इसे पिक कर लेते हैं और 9 mm से एक्सट्रूड कर लेते हैं, और अंदर वाले स्लॉट को भी मैं पिक कर लेता हूँ और कितना करता हूँ 2.5 फॉर वन साइड। ओके सो मेरा ये हाफ बन गया। तो अब मुझे क्या करना है, इसे मिरर करना है। मैं इसे कंसेप्चुअल व्यू में देख लेता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 3D मिरर ऑन करना है, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सो सभी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लो, एंटर। सो प्लेन पूछ रहे हैं, सो प्लेन आपने क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन आ रहा है, सो आप सिलेक्ट कीजिए एक्स वाई प्लेन। सो यूसीएस मेरा क्या है, सेंटर पे ही है तो मैं इसे एज इट इज ओके कर दूंगा, और मैं सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज नहीं करना चाहता तो एन एंटर करूंगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये मेरा कंप्लीट हो गया है आर्टिकुलेटेड रोड, या इसे कनेक्टिंग रोड भी बोल सकते हैं। तो मैं इसे यूनियन भी कर देता हूँ, सिलेक्ट बोथ द ऑब्जेक्ट्स, एंटर। सो आप देखिए ये मेरा यूनियन भी हो चुका है। ओके सो इसी के साथ हम बाकी पार्ट्स भी बना लेते हैं जो मेरे पास दे रखे हैं, देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं। देखिए ये सारे पार्ट्स मेरे पास आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है मेरे पास रोड बुश अपर। सो रोड बुश अपर किस तरह से बनानी है, देखिए दो सर्कल दे रखे हैं जिसका एक का डाया मेरे पास 24 दे रखा है और एक का डाया दे रखा है 22 mm, और उसको मैं प्रेस पुल करेंगे एक्सट्रूड करेंगे 42 mm। सो ये बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाएगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सी एंटर। सो अब मैं ओरिजिन पे भी नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्टली इसको बना रहा हूँ बिकॉज मुझे उसके बाद प्लेस करना पड़ेगा। सो असेंबल किस तरह से करेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इजी मेथड है, वो आगे आपको बताते हैं, ठीक है। सो डी एंटर मेरे पास कितना आ रहा है 24 mm, अगेन सी एंटर, सेंटर पॉइंट पिक कीजिए, डी एंटर 22 mm, और इसे अब आप प्रेस पुल कर सकते हो। सो मैं इसे अभी प्रेस पुल नहीं करूंगा, पहले मैं सभी स्केचेस को बना के एक ही बार में सभी को प्रेस पुल करूंगा। सो इसके बाद अब देखिए रोड बुश लोअर बनानी है। सो रोड बुश लोअर की हमें क्या क्या डायमेंशन दे रखी है, 15 का डाया दे रखे, 12 का डाया दे रखे, जिसे हमें एक्सट्रूड करना है 24 mm। सो सर्कल बना लेंगे, सी एंटर, डाया हमारा है एक 15 का और एक 12 का। सो एक 12 का आ गया और एक हमारे पास कितना आ रहा है 15 का, सो डी एंटर 15 mm। अब इसके बाद थर्ड हमें क्या बनाना है, ये चीज बनानी है, ये क्या है, पिस्टन पिन। सो पिस्टन पिन की क्या डायमेंशन दे रखे हैं, 22 का डाया दे रखे और 11 का डाया दे रखे। ओके सो इसे हमें 80 mm एक्सट्रूड करना है, तो इसे भी बना लेते हैं, सी एंटर, हमारे पास डी एंटर कितने का दे रखा है 22 का, एंड अगेन 11 का, डी एंटर फॉर 11 mm। ओके ये तीन हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गए हैं। अब इसके बाद थर्ड हमारे पास क्या है, पिस्टन पिन प्लग। पिस्टन पिन प्लग की हमारे पास क्या डायमेंशन दे रखी है, 22 और 11 का ही डाया दे रखे है,
और इसको हमें क्या करना है, एक्सट्रूड करना है 12 mm, और एक जो बाहर वाला सर्कल दे रखे है वो ये वाला दे रखा है जिसको हमने 2 mm रेडियस लगाना है। तो हमें दो सर्कल लगाने हैं, एक 22 का और एक 11 का। सो सेम यही वाले दो सर्कल हैं, इसको मैं कॉपी कर लूंगा। सो मैं कॉपी करके से सी ओ एंटर सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, इसे मैं कॉपी कर लूंगा, मुझे इसे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, ये दो सर्कल आ जाएंगे। ये क्या मास्टर रॉड बेयरिंग के डायमेंशन है। सो मास्टर रॉड बेयरिंग के डायमेंशन में क्या है, डाया 46 का दे रखे, 56 का दे रखे। सो ये दोनों सर्कल बनाऊंगा और 70 mm एक्सट्रूड कर दूंगा। सो ये भी बना लेते हैं। एक मेरे पास डाया कितना दे रखा है 46 का, और एक डाया दे रखा है मेरे को डी एंटर 52 का। तो ये दो सर्कल आए, इसे मैं मूव कर लेता हूँ, थोड़ा सा ओवर राइड हो रहा है ये, तो मैं इसे मूव कर लेता हूँ ताकि मुझे इसे एक्सक्लूड करने में प्रॉब्लम ना आए। सो नेक्स्ट देखते हैं अब हमें क्या बनाना है। देखिए हमारे पास क्या दे रखे है, लिंक पिन दे रखी है। सो मैं लिंक पिन में हमें क्या दे रखा है, 10 mm का एक डाया है और एक 15 mm का डाया है। तो जो हमारे पास 15 mm का डाया है उसे 7 mm एक्सट्रूड करेंगे, और जो 10 mm का उसे 50 mm एक्सट्रूड करेंगे। सो दो सर्कल बना लेते हैं, डाया 15 का और 10 का। सो सी एंटर अगेन, एक डाया आपके पास आ गया 15 का, और एक डाया आ गया अगेन आपके पास कितने का, 10 का, डी एंटर 10। तो ये बन गया आपके पास। अब इसके बाद और क्या है हमारे पास, हमने बुश अपर भी बना लिया, लोअर भी बना लिया, लिंक पिन भी बना लिया, पिस्टन पिन भी बना ली, और प्लग भी बना लिया, मास्टर रॉड बेयरिंग भी बना लिया। इसके बाद हमारे पास रहता है पिस्टन रिंग, पिस्टन में जो असेंबल होंगे हमारे पास। ओके सो पिस्टन रिंग किस तरह से बनाएंगे, देखिए हमारे पास दो सर्कल दे रखे हैं 43 47 का। तो ये दो सर्कल लगाने के बाद इसे मैं 3 mm एक्सट्रूड कर लूंगा, 3 mm एक्सट्रूड करने के बाद इसे 1 mm कट लगा लूंगा यहाँ से। ओके तो इसे देखते हैं, पहले हमें सर्कल लगाने हैं। तो 43 और 47 का रेडियस है मेरे पास। सो सी एंटर, 43 का मेरे पास रेडियस है एक, अगेन सेंटर पिक करेंगे, और 47 का हमारे पास एक और सर्कल है, इसे मूव कर लेते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस तरह से इसे बना लेते हैं। ओके तो वन बाय वन अब सभी को प्रेस पुल कर लेते हैं, देखते हैं किसको कितना कितना प्रेस पुल करना है। सबसे पहले ये आ रहा है आपके पास अपर बुश, तो अपर बुश को कितना प्रेस पुल करना है हमें, 42 mm। सो मेक श्योर कि फ्रेंड्स आप इसे ना एक ही प्लेन पे रखो, ठीक है। तो एक प्लेन पे रखोगे असेंबल करना इजी होगा। ओके तो प्रेस पुल करते हैं, इसे कितना प्रेस पुल करना है, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, इसे रोटेट करेंगे, और कितना है इसको प्रेस पुल करना है, 42 mm। सो ये मेरा प्रेस पुल हो गया। देन मुझे ये प्रेस पुल करना है, तो प्रेस पुल कितना करना है, 24 mm। देन सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट एंड एस्केप अगेन, सिलेक्ट द प्रेस पुल, सिलेक्ट दिस एरिया एंड एक्सट्रूड इट अप टू 24 or 28 24। सो एक्सट्रूड इट अप टू 24 mm। Then again press pull this object and extrude it up to 80 mm. So ये 80 की length है, तो 80 पे extrude कर देंगे इसे। Then we have piston pin plug. तो इसमें भी same वही dimensions थी, डाया मेरे पास वही थे जो यहाँ पे piston pin में दे रखे थे। तो इसे extrude किस तरह से करना है, plug किस तरह से बनाना है, देखिए मेरे पास जो आउटर डाया है उसे 3 mm एक्सट्रूड करूंगा, और उसके बाद जो इनर डाया है उसे मैं 12 mm एक्सट्रूड करूंगा। ओके नाउ इसे एक्सट्रूड करेंगे तो कितना करेंगे, 3 mm। सिलेक्ट दिस स्केच एंड एक्सट्रूड इट अप टू 3 mm। देन सिलेक्ट दिस एरिया एंड इसको प्रेस पुल करेंगे हम दिस डायरेक्शन में, तो कितना करेंगे, 12 mm। तो ये प्रेस पुल हो जाएगा। ओके तो ये ऑब्जेक्ट बन गया आपका, इसे फिलेट बाद में करेंगे, पहले इसे भी एक्सट्रूड कर लेते हैं, देन इसको भी और इसको भी। ओके सो ये मेरा कितना प्रेस पुल होगा, ये मास्टर रॉड का बेयरिंग है, सो इसे कितना एक्सट्रूड करना है हमें, 70 mm। सो प्रेस पुल करेंगे, सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट एंड एक्सट्रूड इट अप टू 70 mm। ओके देन वी हैव
हमारे पास लिंक पिन है, उसके डायमेंशन ये दे रखी है। तो आउटर डाया हमें 7 mm एक्सट्रूड करना है और ये वाला कितना करना है, 50 mm। सो आउटर डाया को पिक करेंगे सबसे पहले, तो कितना करेंगे 7 mm एक्सट्रूड करेंगे और डायरेक्शन चेंज करेंगे। सो इसको प्रेस पुल करेंगे, कितना करेंगे 50 mm। सो ये भी आपका प्रेस पुल हो जाएगा। देन हमें इसे एक्सट्रूड करना है, सो कितना एक्सट्रूड करना है 3 mm। सो प्रेस पुल हमारा अगेन ऑन है, सिलेक्ट करेंगे और 3 mm इसे प्रेस पुल कर देंगे। ओके सो अब कुछ चेंजेस करने हैं मुझे। एक तो मेरे को पिस्टन पिन में कट लगाना है और यहाँ पे फिलेट देना है, तो प्रेस पुल ऑफ करेंगे, सॉलिड में जाएंगे और फिलेट एज पे, देन सिलेक्ट दिस एज, रेडियस कितना पिक करेंगे 2 mm का, और एंटर करेंगे, अगेन एंटर करेंगे तो ये हमारा रेडियस भी लग जाएगा। देन हमें कट करना है, तो कट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, देखिए हमारे पास ये इसका टॉप व्यू और ये साइड व्यू है। तो साइड व्यू से हमें कुछ डायमेंशंस दे रखी हैं। देखिए सेंटर से हमें एक एंगल दे रखा है 135 पे, तो 135 पे मैं एक लाइन लेके ऑफसेट कर सकता हूँ इसे 0.5 0.5, तो मेरा ये 1 mm का डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। इसे मैं क्लोज करके वन साइड एक्सट्रूड कट कर दूंगा, तो ये मेरा पिस्टन रिंग रेडी हो जाएगा। तो पिस्टन रिंग जो है एक ही साइड से कट है, दोनों साइड से कट नहीं है, तो मैं एक ही साइड से कट लगाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे साइड प्लेन ऑन करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ इसे रोटेट कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ से भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो, देखिए ये मेरे पास आ रहा है साइड प्लेन, ठीक है। सो मैंने इसको ऑन किया, यहाँ से मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी प्लेन को सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए यहाँ से आ रहे हैं आपके, अगर यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो टॉप व्यू, बॉटम व्यू, लेफ्ट राइट, ये सारे व्यू भी आप सिलेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। सो मुझे टॉप व्यू और राइट व्यू में थोड़ी सी दिक्कत आती है, कई बच्चों को दिक्कत आती है, तो मैं उस तरह से नहीं करवाऊंगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो उस तरह से आपको, अगर आप नहीं बनाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से रोटेट करके यहाँ से भी अपने व्यू को रोटेट कर सकते हो और उसे प्लेन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं फिक्स कर दूंगा यहाँ पे एक्स वाई प्लेन को, तो मेरा टॉप प्लेन हो जाएगा, और देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा 2D वायर फ्रेम ऑन करूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी क्या करेंगे, देखिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लाइन लेनी है, देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं लाइन ले लूंगा, तो ये मेरे पास लाइन आ जाएगी। इसका मिड पॉइंट पिक करेंगे, तो मिड पॉइंट नहीं पिक हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और बता रहा हूं मैं, तो यहाँ पे एक नई चीज बता रहा हूं मैं, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एल एंटर, जैसे देखिए मिड पॉइंट पिक नहीं हो रहा, तो यहाँ पे अगर आप ओ स्नैप में चेक करेंगे, तो अगर ये सारी चीजें ऑन होने के बाद भी ये जो सेंटर पॉइंट है या फिर एंड पॉइंट है ये पिक नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एल एंटर, और हमारे पास क्या है, शिफ्ट प्रेस राइट क्लिक, माउस का राइट क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके माउस का राइट क्लिक करेंगे, तो ये सारी ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। तो मिड पॉइंट जैसे सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए मिड पॉइंट आ गया मेरे पास, पॉइंट को पिक कर लिया। हमें यहाँ पे एट द रेट 10 लेस देन एंगल मेरे पास कितना आ रहा है, अब यहाँ से 135 आ रहा था। सो अगर मैं अकॉर्डिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखूं, तो 0 से 135 एंगल यहाँ पे चले जाता है, तो मैं 135 एंगल लगा के भी देख लेता हूँ। एल एंटर, यहाँ पे एट द रेट 10 लेस देन एंगल 135, तो ये मेरी लेंथ आ गई है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लाइन एक्स्ट्रा ले लेता हूँ ताकि मैं यहाँ तक इसे एक्सटेंड कर सकूं, तो ये लाइन एक्सटेंड हो जाएगी। ओके अगर नहीं हो रही है तो आपको दोबारा से लाइन लेनी पड़ेगी, एल एंटर। अब देखिए यहाँ पे फिर मिड पॉइंट नहीं पिक हो रहा, तो यहाँ पे अगेन शिफ्ट प्लस राइट क्लिक ऑफ माउस बटन, सो यहाँ पे आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा, ये देखिए मिड पॉइंट आ रहा है। एट द रेट अब यहाँ पे 315, इसके ऑपोजिट एंगल 315 आता है, तो मैं यहाँ पे 10 लेस देन एंगल 315 ले लेता हूँ, तो ये एंगल आ जाएगा आपके पास, ये लेंथ आ जाएगी। सो ये एक्स्ट्रा लाइन आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे हम क्या करेंगे, अभी ऑफसेट कर देंगे 0.5 mm ऑफसेट कर देंगे, यहां से यहां से ये और ये, और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे यहां से यहां तक, ये देखिए, देन मैं यहां से यहां तक इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ये चीज, और ई एंटर, मेरे को ये दोनों लाइंस नहीं चाहिए, तो इन दोनों को इरेज कर देंगे, एंड देन ज्वाइन दीज
और दीज स्केचेस। सो ये सारा एक पार्ट बन गया अभी। सो इसे मैं क्या करूंगा, अभी प्रेस पुल करके एक्सपोर्ट कट कर लूंगा। सो प्रेस पुल करेंगे अभी, अगेन सिलेक्ट द प्रेस पुल, सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट और एक्सट्रूड इट अप टू वन डायरेक्शन। सो ये एक्सट्रूड हो जाएगा आपका। देन हम क्या करेंगे, इसे कंसेप्चुअल व्यू में जाके अभी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो अभी हम इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एस यू बी एंटर, सिलेक्ट द मेन ऑब्जेक्ट एंटर, सिलेक्ट दिस सेकेंडरी ऑब्जेक्ट एंटर। सो आप देख सकते हो ये चीज आपकी रिमूव हो चुकी है, और यहाँ से इस लाइन को भी आप रिमूव कर सकते हो और इस स्केच को भी आप रिमूव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका ये जो पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, चाहे तो ये वाली लाइन भी आप रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑलमोस्ट आपके ये सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो ये लेफ्ट प्लेन आ रहा है आपका, इसको रोटेट कर लीजिए। मैंने इस डायरेक्शन में बनाए थे सारे पार्ट्स, तो इसको आप एक्स वाई पे फिक्स कर लीजिए, तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएंगे। ओके, अब इसे असेंबल करेंगे। तो असेंबली के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे पार्ट्स ओपन कर रखे जो मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए थे, हमने इनको प्रीवियस वीडियो में बना के देखा था। सबसे डिफिकल्ट पार्ट था हमारे पास मास्टर रोड को बनाना। ठीक है, मास्टर रोड को हमने किस तरह से बनाया था, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से देख सकते हैं मास्टर रोड को किस तरह से बनाना है। और पिस्टन भी हमने बना लिया था, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स अब असेंबली स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मेरे पास पिस्टन मैंने बना लिया था पहले, और मैंने मास्टर रोड भी बना लिया था, और ये दोनों ही मेरे अलग अलग शीट में ओपन है। तो इसको मैं वहां पे किस तरह से लेके जाऊंगा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, या पहले तो यहाँ तो पिस्टन को मैं यहाँ पे मूव करवा लूं, यहाँ पे पेस्ट कर लूं, तो मुझे यहाँ से रिंग मिल जाएगा और मैं उसे असेंबल कर सकता हूँ। या फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं अलग अलग पार्ट्स उठा के यहाँ पे असेंबल कर सकता हूँ। ओके, सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या करूंगा, रिंग्स असेंबल कर लूंगा इसके अंदर। सो मैं रिंग को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ये मेरी रिंग है। इसे क्या करेंगे आप, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्टली कॉपी हो जाएगा। अगर आप सी ओ एंटर करेंगे तो यहीं पे पेस्ट करना पड़ेगा आपको। अगर आपको अलग वर्कशीट में लेके जाना है, नेक्स्ट वर्कशीट में लेके जाना है, तो आपको कंट्रोल सी प्रेस करके यहाँ पे कंट्रोल वी करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास ये जो है रिंग आ चुका है। ओके, इस तरह से आपके पास ये दोनों पार्ट आ चुके हैं। अभी रिंग को इसके अंदर असेंबल करना है, तो मुझे सबसे पहले यह करना पड़ेगा, देखिए पार्ट को मुझे क्या करना है, रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए हम क्या करते हैं, 3D रोटेट, ये कमांड यूज करते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है 3DRO एंटर। ठीक है, तो 3DRO एंटर करोगे, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर। अब मुझे इसे किस तरह से रोटेट करना है पहले वो देख लेते हैं। देखिए मैं इसका टॉप व्यू दोबारा से ओके कर लेता हूँ, एंड देन इसे हल्का सा रोटेट करूंगा। तो आप देख लीजिए इसे किस एक्सिस पे रोटेट करना है। मेरे पास ये एक्सिस आ रही है, इसे मुझे रोटेट करना है। अगर आपने ऑर्थो ऑन कर रखा है तो ये डायरेक्टली आपको जो परपेंडिकुलर एंगल्स है वहां तक ले जाएगा। ओके, तो वो शो कर देगा, एंटर करोगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। ओके, सो फ्रेंड्स इसके बाद हमें क्या करना है, अभी देखिए ये चीज जो है मुझे यहाँ पे असेंबल करनी है। मैं सबसे लोअर वाले स्लॉट में इसे असेंबल करता हूँ। तो इसे असेंबल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए हमें सेंटर टू सेंटर, क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट, मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट हमें ज्वाइन करना है, तो वो ऑटोमेटिकली असेंबल हो जाएंगे। ओके, सॉलिड वर्क्स में अलग तरह से असेंबली होती है, बहुत ही सिंपल असेंबली होती है उसमें। कैटिया में भी सेम इसी तरह से असेंबली होती है जैसे ऑटो कैट के अंदर असेंबली होती है। हमें उसे अलाइन करना पड़ता है, पहले ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट अलाइन करना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है, उसके बाद हम उसे असेंबल कर सकते हैं, वो इजी हो जाता है। तो ऑटो कैट और कैटिया में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। अगर हम ड्रॉइंग बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। जैसे आपके पास प्रेस पुल यूज किया हमने, तो प्रेस पुल में क्या था कि हम एक ही बार में, एक ही कमांड में नंबर ऑफ टाइम्स उसे एक्सट्रूड कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्केचेस को एक ही बार में एक्सट्रूड कर सकते हैं अलग अलग वैल्यू में। तो ये पॉसिबल होता है कैटिया के अंदर। सॉलिड वर्क्स में भी ये कमांड नहीं आती है, आप एक बार में सिर्फ एक ही स्केच को एक्सट्रूड कर सकते हो। अगर आपको
अलग अलग स्केचेस को अलग अलग डायमेंशंस में एक्सट्रूड करना है, तो उसको बार बार आपको एक्सट्रूड करना पड़ेगा, और कोई कमांड नहीं उसमें। तो ये कमांड आती है केटिया में और इसके अंदर। ओके सो फ्रेंड्स, अब इसे असेंबल कर लेते हैं। देखिए इसे टॉप लाइन पे ऑन कर लेते हैं। ओके सो हल्का सा इसे रोटेट करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मुझे इसको मूव करना है इसके सेंटर पॉइंट से, ओके, और इसके सेंटर तक मुझे लेके आना है। सो इस बॉडी का अगर सेंटर फाइंड आउट करना है, तो मैंने जैसे अभी पहले भी आपको एक कमांड करवाई, शिफ्ट प्रेस करना है और माउस का राइट बटन क्लिक करना है, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। आप यहाँ से जो भी शो करवाना चाहते हैं वो आप इसे करवा सकते हैं। जैसे आप सेंटर पॉइंट शो करवाना चाहते हैं, सेंटर पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसको हल्का सा रोटेट करके देखिए, तो यहाँ पे आपके पास सेंटर पॉइंट शो हो जाएगा। ये देखिए सेंटर पॉइंट आ रहा है, तो इस तरह से ये आपका पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। ओके ये देखिए इसके बिल्कुल सेंटर पे आ गया, बट ये अभी एग्जैक्ट प्लेस नहीं हुआ, अभी मुझे यहाँ पे भी इसे प्लेस करना पड़ेगा। ओके सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अभी इसे अगेन मूव करूंगा, सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, एंटर। अब इसके क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके सेंटर तो मेरा हो चुका है, अभी क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट ज्वाइन करना पड़ेगा। तो शिफ्ट और माउस का राइट बटन क्लिक करना है और देन क्वाड्रेंट, और यहां से मेरा एक क्वाड्रेंट आ जाएगा। ये मेरा क्वाड्रेंट आ गया और देन ये मेरा एक क्वाड्रेंट आ गया। अगर आपको ये विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो यहां से आप इसे शेडेड विद एजेस भी कर सकते हैं। ओके तो ये भी आपके पास आ जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे, अगेन मूव करेंगे, सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट और यहां से क्वाड्रेंट ऑन करेंगे, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेंट आ रहा है और इसे मूव करना है मुझे इस क्वाड्रेंट तक, तो मुझे ये वाला क्वाड्रेंट चाहिए। सो मैं इसे भी क्वाड्रेंट बना लूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्वाड्रेंट आ जाएगा। इसे मैं पिक करूंगा तो ये अलाइन हो जाएगा प्रॉपर। तो ये देखिए आपके पास ये जो मेरा रिंग है ये असेंबल हो गया है। ओके सो इस तरह से आप इसे असेंबल कर सकते हो। देन अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो तीन स्लॉट बचे हुए हैं इनमें भी असेंबल करना है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एरे करूंगा, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, रेक्टेंगुलर एरे करना है मुझे। तो यहाँ पे काउंट में चले जाएंगे और हमें कॉलम कितने चाहिए, एक ही कॉलम चाहिए। रोज कितनी चाहिए मुझे, 4 रोज चाहिए, 1, 2, 3, 4 रोज है मेरे पास। ओके और यहाँ पे स्पेसिंग, हमें 1 कॉलम में स्पेसिंग का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखिए मेरे पास ये देखिए ये एक रिंग है मेरे पास, ये दूसरी है और ये तीसरी है, हल्का सा गैप आ रहा है। तो ये गैप कितना है मेरे पास, पिस्टन भी जब हमने बनाया था तो यहाँ पे अंदर वाला स्लॉट जो मेरा था वो 3 mm का था और बाहर वाला स्लॉट 2 mm का था, तो डिस्टेंस कितना हुआ, 3 + 2 = 5 mm। तो अगर मैं यहाँ पे 5 mm पिक करूंगा, तो आप देख लीजिए ये प्रॉपर अलाइन हो जाएगा। ये देखिए तो ये प्रॉपर अलाइन है। तो अगर आप इसे टॉप व्यू से देखेंगे, ये मेरा साइड व्यू है, मैं इसका टॉप व्यू ये वाला पिक कर लेता हूँ, ये है मेरा बैक व्यू, इसे मैं टॉप व्यू बना लेता हूँ अभी। तो यहां से देखिए आप, ये आपको बिल्कुल सही अलाइन हो चुका है। ओके सो फ्रेंड्स, ये मेरा जो पिस्टन है ये असेंबल हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसे कॉपी करके यहां पे असेंबल करूंगा, बिकॉज मुझे ये जो पिस्टन और रिंग है ये दोनों साथ में चाहिए, मुझे इसके साथ भी यहाँ पे असेंबल करना पड़ेगा। ओके सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सिलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट, कॉपी, इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल वी, और यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से आ जाएगा। ओके सो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास पिन है ये इसमें असेंबल होगी। सो पिन को मैं रोटेट कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। सो पिन किस तरह से रोटेट होगी, इसे पहले तो मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ, यहाँ तक आ जाएगा। सो ये असेंबल होने में इजी हो जाएगा। ओके सो अभी मैं इसे क्या करता हूँ, रोटेट कर लेता हूँ, 3D रोटेट, 3D RO एंटर, सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट,
एंटर। सो ये आपके पास आ रहा है। सो यहाँ से ये एक्सिस पिक करेंगे और इसे 90 डिग्री पे रोटेट कर देंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटर टू सेंटर इसे ज्वाइन करेंगे। ओके, हल्का सा इसे और मूव कर लेते हैं। सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट एंड सिलेक्ट दिस एरे, एंटर। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसे मूव कर लेते हैं। सो अब हम इसे भी मूव कर लेते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। सो इसका सेंटर पॉइंट ये पिक हो रहा है और इसके सेंटर पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, इसके बिल्कुल सेंटर तक ले जाते हैं इसे। तो यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट, अभी सेंटर पॉइंट शो नहीं कर रहा, तो आपको थोड़ा सा इसमें वर्क करना पड़ेगा। शिफ्ट प्रेस करेंगे, अगेन सेंटर पे चले जाएंगे तो यहाँ से इसका सेंटर जो है इस तरह से आएगा। इसका हल्का सा और रोटेट कर लीजिए तो इस तरह से आपका ये वाला सेंटर, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है सेंटर इसका। तो आपने ये सेंटर पिक कर लेना है और आप देख सकते हैं ये असेंबल हो गया है। ओके, नेक्स्ट अभी आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से गैप आ रहा है और यहाँ से बिल्कुल ज्वाइन है, मतलब ये सेंटर पे नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे इसे सेंटर पे करना पड़ेगा। तो इसकी लेंथ कितनी थी, 80 mm थी और ये मेरा पूरा स्लॉट कितना था, 85 mm का था। इट मीन्स 2.5 mm इसको मैं यहाँ से मूव करूंगा। ओके, तो यहाँ से ऑर्थो ऑन कर लेते हैं ताकि एक डायरेक्शन में मूव हो जाए। एम एंटर, सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट और सेंटर से मूव करेंगे, एंटर। तो इसका सेंटर पॉइंट पिक करेंगे तो अगेन ये मेरा सेंटर हो जाएगा, ये रहा इसका सेंटर। और इसको इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 mm। सो आप देखिए यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से मेरा इक्वल गैप आ जाएगा। अभी ये देखिए मेरा दोनों साइड से इक्वल गैप आ गया, सो इट मीन्स हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे ये कनेक्टिंग रोड इसके साथ असेंबल करनी है। ठीक है, तो ये तो रिंग तो मैं इसमें असेंबल कर चुका हूँ, कनेक्टिंग रोड इसमें असेंबल करनी है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी ये जो मेरे पास बुश दे रखे हैं ये सारे इसमें असेंबल करने हैं। ओके, सो बुश किस तरह से असेंबल करेंगे, अगेन मूव करेंगे, सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, एंटर। ये बड़े वाला जो बुश है ये इसमें फिट होगा और छोटे वाला उसके अंदर फिट होगा। सो इसको यहाँ से पिक कर लेंगे, अगेन सेंटर पिक करेंगे इसका, ये वाला सेंटर और अगेन ये वाला सेंटर पिक करेंगे। तो अगेन ये मेरे पास सेंटर आ गया, तो ये आप देख सकते हो डायरेक्टली मेरे पास असेंबल हो गई है। तो सेंटर टू सेंटर, मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट आपने ज्वाइन करना है इसे। अगेन मूव, सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, एंटर। और इसका अगेन सेंटर पॉइंट पिक करेंगे तो इस तरह से सेंटर पॉइंट आ जाएगा इसका। सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, अगेन इसका सेंटर पॉइंट पिक करेंगे तो अगेन उसी तरह से पिक करेंगे, ये मेरे पास सेंटर आ रहा है। तो आप देखिए ये भी असेंबल हो गया है। तो देख सकते हैं दोनों तरफ से मेरा, ये देखिए ये वाला पार्ट मेरी दोनों तरफ से इक्वल है बिकॉज इसकी और उसकी लेंथ दोनों सेम थी। बट यहाँ पे डिफरेंस है, इसकी लेंथ मेरे पास 28 है और इसकी लेंथ मेरे पास 24 है। तो इसे मैं कितना एमएम मूव करूंगा, अभी 2 mm वन साइड मूव करूंगा। तो यहाँ से मैं इसे मूव कर लेता हूँ, सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट और यहाँ से इसका सेंटर पिक कर लेता हूँ ताकि ये एक डायरेक्शन में सेंटर से मूव हो जाए। तो डायरेक्शन इसकी कौन सी आएगी, अभी ये वाली डायरेक्शन आएगी। इसको मैं 2 mm इस साइड वाली, इस वाली साइड मूव कर लेता हूँ। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा। ये देखिए इस साइड और इस साइड, ये दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इट मीन्स हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। देन अब क्या करना है मुझे, मुझे ये वाला जो एरिया है, ये वाला स्लॉट मुझे इसके अंदर फिट करना है। ओके, सो वो किस तरह से करेंगे अभी, और इसे मैं अब क्या करूंगा, यूनियन भी कर सकता हूँ बिकॉज ये मुझे अब बार बार चाहिए, तो मैं इसे यूनियन ही कर दूंगा। सो मुझे इसे अलाइन करना पड़ेगा। अलाइन करने के लिए 3D रोटेट कर लेते हैं बिकॉज मुझे इसको इसके पैरेलल मूव करना है। ओके, सो मैं इसे 3D रोटेट कर लेता हूँ, दिस ऑब्जेक्ट, एंटर। और मुझे इस एक्सिस के अकॉर्डिंग इसे रोटेट करना है इन 90 डिग्री में। सो इस तरह से ये मेरा हो गया। अब मैं इसे मूव कर सकता हूँ, सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, एंटर। सेंटर पॉइंट पिक कर लेंगे इसका,
ये मेरा सेंटर पॉइंट आ रहा है और इसको भी सेंटर पॉइंट पिक कर लेंगे। यहाँ से ये देखिए ये सेंटर पॉइंट आ रहा है, तो मैंने इसे पिक किया, तो ये देखिए आप यहाँ पे असेंबल हो गया। सो फ्रेंड्स अभी मुझे फिर इसको रोटेट करना पड़ेगा, तो इसको रोटेट करेंगे 3D RO Enter, बिकॉज ये मेरे को वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए। तो सिलेक्ट एंटर, बेस पॉइंट से इसे रोटेट करेंगे तो बेस पॉइंट क्या आ जाएगा मेरा, इसका सेंटर पॉइंट आ जाएगा। तो इसका सेंटर पॉइंट पिक कर लेते हैं, यहाँ से इसको रोटेट कर लेंगे। तो इसका सेंटर पॉइंट ये आ गया, यहाँ से इसको रोटेट कर लेते हैं इस एक्सिस में, अगेन इन द 90 डिग्री। सो ये इस तरह से रोटेट हो गया। नाउ अब इसको इक्वल डिस्टेंस में मूव कर लेते हैं। तो मेरा सेंटर वाला जो डिस्टेंस था वो कितना था, 50 mm था। ठीक है, आप ये चीजें देख सकते हैं, मेरी जो पिस्टन वाली ड्राइंग है उसमें देख सकते हैं ये डिस्टेंस कितना था। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा जब आप इसे बनाएंगे, तो आपको भी ये रिमेम्बर हो जाएगा ये डिस्टेंस कितना था। ओके, सो यहाँ से डिस्टेंस मेरा 50 है और इसकी हाइट कितनी है, 42। इट मीन्स 8 mm का डिफरेंस आ रहा है। सो 8 mm को अगर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 4 mm मेरे को इसको मूव करना पड़ेगा। सो एम एंटर, सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट एंटर, और इसका सेंटर पॉइंट पिक करेंगे। तो ये मेरा सेंटर है, इसे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो 4 mm इसे मूव करेंगे। आप देख लीजिए ये बिल्कुल इक्वल डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स ये मेरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके तो फ्रेंड्स अभी इसमें क्या करेंगे, देखिए तो मेरे पास अभी मास्टर रोड है। सो मास्टर रोड में ये पार्ट मुझे असेंबल करना है किस तरह से, इस तरह से। तो ये मेरे पास मास्टर रोड है, मास्टर रोड में एक आर्म यहाँ पे जाएगी, एक आर्म यहाँ पे आएगी, एक आर्म यहाँ पे, एक आर्म यहाँ पे, तो ये सभी एंगल्स पे है। ओके, सो मेरे पास यही चैलेंज रहेगा कि मुझे एंगल पे किस तरह से रोटेट करना है। ओके, तो मैं इसे देख लेता हूँ किस तरह से अभी इसको रोटेट करना है। नेक्स्ट मुझे ये असेंबली चाहिए, सो मैं क्या करूंगा अभी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज रह गई है मेरी, पिस्टन पिन प्लग। तो पिस्टन पिन प्लग जो है मेरा यहाँ पे असेंबल होगा। तो मुझे क्या करना है, इसे रोटेट करना अगेन, 3D RO Enter, सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट एंटर, और इस डायरेक्शन में रोटेट करना है 90 डिग्री पे। इसे रोटेट कर लेते हैं, अगेन इसे मैं रोटेट कर लेता हूँ 180 डिग्री पे, बिकॉज मुझे इसका फेस उस साइड चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको इजिली असेंबल कर सकता हूँ। सो नाउ अब क्या करेंगे, मूव करेंगे, सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, इसका सेंटर पॉइंट पिक करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे एक और लॉजिक आ रहा है, इसका मैं यहाँ से सेंटर पॉइंट पिक करूंगा इस फेस से। ठीक है, तो इस फेस से मैं डायरेक्टली उसको यहाँ तक असेंबल कर दूंगा। ठीक है, मैंने इसका ये वाला फेस को सेंटर पिक किया, नाउ मुझे इसका सेंटर पिक करना है। सो इसके सेंटर के लिए अगेन शिफ्ट और माउस का राइट क्लिक, तो आप देख लीजिए ये मेरा यहाँ पे डायरेक्टली असेंबल हो गया, इस तरह से बिल्कुल सही असेंबल हुआ ये। अब इसको मैं मिरर भी कर सकता हूँ। सो मिरर करने के लिए मुझे क्या करना है, 3D mirror, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर। अब एक्सिस कौन सी आ रही है यहाँ पे, एक्सिस देख लीजिए, ये वाला फेस आ रहा है, तो एक्स और जेड एक्सिस आ रही है, तो जेड एक्स एक्सिस को फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। नाउ अब पॉइंट, पॉइंट चाहिए मुझे, तो पॉइंट के लिए मुझे इसका टॉप प्लेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ अब क्या करेंगे, सेंटर पिक करेंगे इसका, तो ये मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर आ रहा है। सेंटर पिक किया, एंटर किया, और अब देखते हैं इसका मिरर हुआ कि नहीं हुआ, तो एग्जैक्ट मिरर हो गया अभी। ठीक है, तो इस साइड भी ऑब्जेक्ट है, इस साइड भी ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इसे बना सकते हो। नाउ अब ये वाली असेंबली कंप्लीट हो चुकी है, अब मुझे क्या करना है, मास्टर रॉड में इसे असेंबल करना है। ओके, सो मैं इसे क्या करूंगा, मैं इसे कॉपी करूंगा, सिलेक्ट दिस, सिलेक्ट दिस वन, सिलेक्ट दिस वन, एंड सिलेक्ट कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो मेरा जो ये देखिए ये पार्ट इधर आ गया, टॉप व्यू इसका ऑन कर लेंगे और इसे मैं अब रोटेट कर लूंगा। ये जो मेरा पार्ट आ रहा है इसको मैं रोटेट कर लूंगा। सो रोटेट किस डायरेक्शन में करूंगा, मेरे को 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को यहाँ पे ये प्लेस करवाना है। सो 3D रोटेट करेंगे, सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट एंटर, अभी मेरे कुछ पार्ट सिलेक्ट नहीं हुए, तो 3D रोटेट अगेन सिलेक्ट करेंगे,
select this one, select this one and select this one. So रोटेट करके देखते हैं सारे पार्ट सिलेक्ट हुए नहीं हुए, ये वाला रह गया. देन अब मुझे क्या करना है, इसे रोटेट करना है. एंटर, सिलेक्ट द एक्सिस. सो एक्सिस कौन सी आएगी, अभी ये वाली एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको रोटेट करेंगे और 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे. इसकी इनर जो शॉफ्ट है वो रह गई. सो इसे कंट्रोल जेड करेंगे. सो इसे सबसे पहले यूनियन ही कर लेते हैं बिकॉज मुझे प्रॉब्लम आएगी बाद में, ठीक है. सो मैंने इस सारे पार्ट को यूनियन कर लिया, अभी एक ही पार्ट है. अब इसे करते हैं 3D रोटेट. सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट दिस, और किस एक्सिस के थ्रू मुझे रोटेट करना है, इस एक्सिस के थ्रू रोटेट करना है. तो डायरेक्शन चेक कर लीजिए आप, और यहाँ से इसका ऑर्थो ऑन कर लीजिए, आपको डायरेक्शन भी प्रॉपर मिल जाएगी, एंगल भी प्रॉपर मिल जाएगा इसका. सो इस डायरेक्शन में रोटेट करना है मुझे. सो सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, ये आपका रोटेट हो जाएगा. इसे मूव करना है मुझे अब. सो सिलेक्ट मूव, एंटर, एंड सिलेक्ट दिस पार्ट आल्सो, एंटर. और यहाँ पे क्या होगा, अभी इसका सेंटर पिक करेंगे. सो ये वाला सेंटर और इसका ये वाला सेंटर. अब मैं क्या करूंगा, इसके ये वाले फेस के सेंटर को पिक करूंगा ताकि ये इसके फेस तक असेंबल हो जाए प्रॉपरली, ठीक है. सो यहाँ पे आपको ये इस चीज का ध्यान देना है, ये देखिए ये आ रहा है. सो इसका मैं सेंटर पिक करूंगा अभी. सो यहाँ से इसका सेंटर पिक करते हैं, ये सेंटर आ रहा है. तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो ये देख लीजिए आपका ये चीज यहाँ पे प्लेस हो गया. तो अगर मैं इसे टॉप प्लेन से देखूं तो एग्जैक्ट आ रहा है, देखिए होल बिल्कुल एग्जैक्ट अलाइन हो चुकी है, ठीक है. इट मीन्स हम बिल्कुल सही कर रहे हैं. बट अब मुझे एक काम और करना है, यहाँ पे इसे एंगल पे रोटेट करना है. तो मेरी ये वाली शाफ्ट है, यहाँ से जो मेरी पहली आर्म आ रही है वो कितने डिग्री पे आ रही है, 70 डिग्री पे आ रही है. सो मैं इसका एंगल चेक कर लेता हूँ अभी. सो यहाँ से मैं एक लाइन ले लेता हूँ सेंटर से, ये है मेरे पास एक, मैंने ये लाइन ली, एक लाइन में यहां से लाइन लूंगा इसके सेंटर से. तो इसका सेंटर क्या आएगा, ये वाला. सो यहां से मुझे एक लाइन लेनी है स्ट्रेट, तो ये लाइन आ जाएगी. अब इन दोनों के बीच में एंगल चेक कर लेते हैं, मुझे एनोटेशन में जाना और एंगल चेक करना है. ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है. सो मुझे इसको 20 डिग्री इस साइड मूव करना है, नेगेटिव डायरेक्शन में. सो नेगेटिव डायरेक्शन में एंगल कितना आ जाएगा, 360 माइनस 20 हो जाएगा, तो 340 डिग्री पे इसे रोटेट करना पड़ेगा. सो मैं इसे 3D रोटेट कर लेता हूँ. सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, एंटर, और इसे मैं इस डायरेक्शन में मूव कर लेता हूँ. ऑर्थो ऑफ कर लेते हैं, और नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज मैं एंगल दे रहा हूँ अभी 340 डिग्री. अब यहाँ पे क्या था, देखिए बेस पॉइंट मैंने नहीं दिया, उसकी वजह से इसने क्या किया, इसको बाहर मूव कर दिया. सो कंट्रोल जेड करेंगे, मैं बेस पॉइंट पिक करूंगा. 3D आरो एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर. अब मुझे बेस पॉइंट यहाँ पे पिक करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे एक्सिस पिक करनी है और एंगल फिल करना है 340 डिग्री. तो आप देख लीजिए बेस पॉइंट से ही इसने मूव किया उसे. तो एंगल कितना आ गया अभी मेरे पास, 70 डिग्री. इट मीन्स बिल्कुल सही कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे. CO एंटर, सिलेक्ट दिस वन, एंटर. बेस पॉइंट से इसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पे. डायरेक्शन आप कोई भी फ्री रख सकते हैं, और इसको ऑर्थो ऑन ही रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है. सो मैं ऐसे क्या करता हूँ, अभी मूव कर लेता हूँ इस फेस पे. सो एम एंटर, सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, एंटर. इसको सेंटर पॉइंट पिक करेंगे और यहाँ पे मूव कर लेंगे इसे. ओके सो फ्रेंड्स, यहाँ से एंगल चेक कर लेते हैं. अभी मेरे पास एंगल कितना आ रहा है, मैं यहाँ से एक लाइन ले लूंगा. देखिए मेरे पास लाइन है, मैं यहाँ से एंगल चेक कर लेता हूँ इस लाइन के थ्रू. इस लाइन से मेरा एंगल कितना आ रहा है, 70 डिग्री आ रहा है. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो गया, अभी ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके अलाइन हो गया. सो अभी इसे क्या करना है, रोटेट करना है. तो रोटेट कितना करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से 70 है, और अगेन इस आर्म से मेरा सेकेंड आर्म तक कितना डिस्टेंस है, 70 डिग्री. सो मैं
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लेके चलूंगा, 70 डिग्री का। ओके सो मैं इसे 3D रोटेट अगेन कर लेता हूँ। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, डोंट फॉरगेट टू सिलेक्ट द रिंग्स। ओके सो इनको जरूर सिलेक्ट करना बिकॉज ये यूनियन नहीं हुए होंगे। ओके सो सिलेक्ट द बेस पॉइंट और सिलेक्ट द एक्सिस एंड गिव इट टू द एंगल 70 डिग्री। सो इसका एंगल चेक करते हैं, एंगल कितना आएगा दिस लाइन, मेरा एंगल कितना आ रहा है 70 डिग्री आ रहा है, इट मीन्स हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। ओके सो अगेन मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, CO एंटर, सिलेक्ट होल ऑब्जेक्ट, एंटर। सो बेस पॉइंट ये रहा मेरा, इससे मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। सो ये मेरी कॉपी हो जाएगी, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ से इसको। तो इसे क्या करेंगे, मूव करेंगे सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखना है आपने कि सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, एंटर। और सिलेक्ट द बेस पॉइंट, सिलेक्ट दिस सेंटर। तो यहाँ से इसका सेंटर पिक कर लेंगे हम, बॉटम फेस आ रहा है तो बॉटम फेस का सेंटर पिक करना है आपने। ओके सो फ्रेंड्स इस तरह से आपके पास ये सेंटर आ जाएगा। नाउ अब अगेन मुझे ये इसके अलाइन रहेगा क्योंकि मैंने इसकी कॉपी कर रखी है। तो मुझे अब इसको कितने डिग्री पे रोटेट करना है, अगेन 70 डिग्री पे रोटेट करना है। तो मैं इसे अगेन 70 डिग्री पे रोटेट कर लेता हूँ। सो 3D RO एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट द होल ऑब्जेक्ट, एंटर। बेस पॉइंट क्या रहेगा आपका, ये वाला आपका बेस पॉइंट रहेगा। सिलेक्ट द सेंटर वन, सो दिस इज योर बेस पॉइंट। एक्सिस हम ये वाले लेके चलेंगे और गिव द एंगल टू 70 डिग्री। सो हम यहाँ से देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं मेरे पास एंगल कितना आ रहा है। लाइन लेंगे, इसके सेंटर पॉइंट से पिक करेंगे ये लाइन और इसके सेंटर तक लेके जाएंगे ताकि ये सेंटर पे लाइन रहे और हमें एंगल फाइंड आउट करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो पिक दिस लाइन एंड पिक दिस लाइन एंड सिलेक्ट दिस वन। सो एंगल हमारे पास कितना आ रहा है 70 डिग्री आ रहा है, इट मीन्स हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। ओके इसके बाद हमारे पास अगेन कॉपी करेंगे इसको, CO एंटर, सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, एंटर एंड पिक दिस सेंटर एंड मूव इट अप टू द गिवन डायरेक्शन। ओके सो डिलीट, इसको डिलीट कर देंगे हम और अगेन मूव करेंगे, सिलेक्ट द होल ऑब्जेक्ट एंड सिलेक्ट द बेस पॉइंट। ये हमारे पास बेस पॉइंट आ रहा है एंड अगेन सिलेक्ट द बॉटम फेस एंड पिक द सेंटर। ओके सो ये मेरे पास आ गया। नाउ अब मेरे पास कितना एंगल दे रखा है, 70 70 70, ये तीनों मैंने पिक कर लिए। अब मेरे पास आ रहा है 75 डिग्री। सो मैं इसे रोटेट कर लूंगा अगेन, 3DRO एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर और बेस पॉइंट मेरे पास क्या है, दिस सेंटर, पिक द सेंटर एंड पिक द एक्सिस और गिव द एंगल टू 75 डिग्री। सो अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं अगेन, मेरे पास एल एंटर, सिलेक्ट द सेंटर ऑफ दिस पार्ट, ये मेरे पास सेंटर आ गया। नाउ सिलेक्ट दिस सेंटर, सो एंगल चेक कर लेते हैं अभी, ये मेरे पास लाइन आ रही है और ये मेरे पास लाइन आ रही है। सो एंगल कितना आ रहा है, 75 डिग्री आ रहा है, ग्रेट, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। यहाँ से भी एंगल चेक कर लेते हैं अगेन, ये लाइन आ गई मेरे पास और अगेन ये वाली लाइन आ गई। सो यहाँ से भी एंगल कितना आ रहा है मेरे पास, 75 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम। नाउ अब मेरे पास क्या है, एक चार लिंक पिन्स यहाँ पे लगानी है मेरे को और एक पिस्टन यहाँ पे असेंबल करना है।
सो पिस्टन असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास पिस्टन है, कंट्रोल ए, और इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। कंट्रोल वी, सिलेक्ट दिस वन, टॉप फेस सिलेक्ट करेंगे इसका और इसे यहाँ पे हम रोटेट कर लेंगे इस डायरेक्शन में, ओके, ताकि ये इजीली असेंबल हो सके। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज और है, मुझे यहाँ पे पिन भी असेंबल करनी है और मेरे को प्लग भी असेंबल करना है। सो यहाँ से क्या करेंगे, अभी हम कॉपी कर लेंगे इसे, सिलेक्ट दिस वन, कॉपी पेस्ट। तो आप देख सकते हैं ये पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। नाउ सिलेक्ट द अदर वन ऑल्सो, सिलेक्ट दिस प्लग, कॉपी एंड पेस्ट ओवर हियर दिस वन, ओके। नाउ मुझे क्या करना है, मुझे इसे असेंबल करना है, देन मूव, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, और इसको सेंटर पिक करेंगे, अगेन इसको सेंटर पिक करेंगे। सो इसका सेंटर किस तरह से, अगेन शिफ्ट प्रेस करेंगे और ये देखिए ये सेंटर आ गया इसका। नाउ इसको मैंने मूव किया था, कितना एमएम किया था, 2.5 एमएम मूव किया था। सो मूव, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, इसका सेंटर पिक करेंगे। सो इस तरह से इसका सेंटर आ जाएगा। कीप द ऑर्थो ऑन एंड कीप दिस डायरेक्शन, और इसको 2.5 एमएम इसे मूव कर देंगे, तो इस तरह से ये इक्वल डायरेक्शन में आ जाएगा। नाउ मेरे पास प्लग था, सो मूव दिस प्लग टू एक ही डायरेक्शन में। सो मेक श्योर कि आपकी डायरेक्शन एक ही साइड पे हो, और इसका ये वाला फेस पिक करेंगे और इसका सेंटर पिक करेंगे यहाँ से, इस तरह से इसका सेंटर पिक करेंगे, तो ये मेरे पास सेंटर आ जाएगा। नाउ इसका ये वाला फेस पिक करेंगे और इसका सेंटर पिक करेंगे, सो इसका सेंटर ये मेरे पास सेंटर आ रहा है, तो इस तरह से ये असेंबल हो जाएगा। नाउ इसको मिरर कर देंगे अब, सो सिलेक्ट द 3D मिरर और इसे हम सिलेक्ट करेंगे। देन अब एक्सिस कौन सी आ रही है वो चेक कर लेते हैं। अभी देखिए जेड और वाई एक्सिस आ रही है, और यहाँ पे जेड और एक्स एक्सिस प्लेन आ रही है, तो ये वाला प्लेन आ रहा है, तो जेड और एक्स प्लेन हम सिलेक्ट करेंगे और फिर अगेन इसका सेंटर पिक करेंगे, तो अगेन टॉप प्लेन सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका सेंटर पिक करेंगे, तो सेंटर यहाँ से इस तरह से आ जाएगा, और एंटर करेंगे तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट मिरर हो जाएगा। ये देखिए दोनों साइड मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया है। नाउ अब ये मेरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट है। सो मुझे इसे क्या करना है, मिरर करना है, और उससे पहले मुझे यहाँ पे बुश भी असेंबल करना है। सो अगेन मेरा जो बुश आएगा, कौन सा बुश था मेरे पास, वो तो यहाँ पे यूनियन हो चुका है, मुझे यहाँ पे दोबारा बनाना पड़ेगा। सो मैं अगेन यहाँ पे दोबारा बना लेता हूँ। ये था मेरे पास रोड बुश अपर, सो इसका 24 डाया, 22 डाया और 42 एमएम पे से एक्सट्रूड करना है। सो मैं इसे बना लेता हूँ फटाफट। सो सी एंटर, यहाँ से हमें इसे डाया कितना लेना है, 24 का, और अगेन 22 का डाया लेना है। डी एंटर 22 और प्रेस पुल करेंगे इसे हम, सिलेक्ट द होल ऑब्जेक्ट, और इसको हम कितना करेंगे, 42 एमएम इसे एक्सट्रूड कर देंगे। अब इसे क्या करेंगे, मूव करेंगे, सिलेक्ट दिस वन, एंटर, इसका सेंटर पिक करेंगे, तो ये मेरे पास सेंटर आ रहा है, एंड इसका सेंटर पिक करेंगे तो अगेन ये सेंटर आ गया। तो आप देख सकते हैं ये भी मेरे पास असेंबल हो गया। नाउ अब इसे रोटेट करेंगे, तो 3D आर एंटर, सिलेक्ट होल द ऑब्जेक्ट, सो इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। सो पिक दिस एक्सिस, एंगल कितना देंगे हम, 90 डिग्री। सो इस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट हो जाएगा। नो आप देखते हैं कि ये मेरा इसके अलाइन हुआ कि नहीं हुआ, नहीं, अभी मुझे इसको अगेन इस डायरेक्शन में रोटेट करना होगा। तो 3D आर ओ एंटर, सिलेक्ट द होल ऑब्जेक्ट, एंटर, पिक द एक्सिस एंड गिव इट टू द 90 डिग्री एंगल। अब ये मेरा अलाइन हो चुका है। सो अब मैं इसे मूव कर सकता हूँ। नाउ मूव, सिलेक्ट द होल ऑब्जेक्ट, एंटर, सिलेक्ट द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस शाफ्ट, तो सेंटर मैंने पिक किया। नाउ मूव इट अप टू दिस सेंटर, सो सिलेक्ट द सेंटर ऑफ द शाफ्ट एंड सिलेक्ट द सेंटर, ओके। सो मुझे इसको मूव करना है, मुझे नहीं पता ये कितना मूव हुआ है,
सो अगेन मैं क्या करता हूँ, क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट इसे मूव कर लेता हूँ, सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, एंटर। सो इसको क्वाड्रेंट पिक कर लेता हूँ मैं, मेरा ये क्वाड्रेंट आ चुका है। नाउ ये मेरा अगेन एक क्वाड्रेंट आ जाएगा, तो इसके क्वाड्रेंट तक इसे मैं मूव कर लेता हूँ। सो ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है मूव हो चुका है। अब मुझे पता है कि ये कितना मुझे मूव करना है। सो क्या करेंगे अभी देखिए, मैं इसे मूव कर लेता हूँ। सो मूव करेंगे, सिलेक्ट दिस वन, एंटर, एंड सेंटर पिक करेंगे इसका, सिलेक्ट द सेंटर। सो ये मेरे पास सेंटर आ गया, एंड मूव इट अप टू 4 mm। सो ये मेरा मूव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपके पास ये असेंबली ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इसमें लिंक पिन ऐड करने हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 स्लॉट खाली पड़े हैं। सो इनको हमने लिंक करना है लिंक पिन के साथ। तो हम लिंक पिन यहाँ पे असेंबल करेंगे। तो जो हमने सबसे पहले बनाया था वहां से हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद उसे मूव करेंगे और असेंबल करेंगे। सो अब ये मेरी लिंक पिन आ चुकी है। यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, एम एंटर मूव करेंगे, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर अगेन। अब इसका बेस पार्ट सिलेक्ट करेंगे और उसका सेंटर पिक करेंगे। तो सिलेक्ट द बेस सेंटर और उसके बाद हम इसको यहाँ पे असेंबल कर देंगे। इसका भी हम सेंटर ही पिक करेंगे। तो सिलेक्ट द सेंटर ऑफ दिस फेस। सो यहाँ देखिए, अब इसका सेंटर आ रहा है, सिलेक्ट द सेंटर और ये असेंबल हो जाएगा। इस तरह से ये असेंबल हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसे अगेन कॉपी करेंगे। ये देखिए, मैंने अगेन कंट्रोल वी ये, क्योंकि मैंने कॉपी कर रखा था उसे, और अगेन इसे मैं नंबर ऑफ टाइम्स पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे 4 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 4 बार पेस्ट कर लेता हूँ उसे। ये देखिए, ओके, तो मैं 4ों को 1 by 1 असेंबल कर लेता हूँ। सो क्या करेंगे, मूव करेंगे, मूव, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर और पिक द सेंटर ऑफ द बेस। सो ये मेरे पास आ जाएगा इसका। ये देखिए, ये सेंटर पिक कर रहे हैं, इसी का पिक कर रहे हैं, और अब सेंटर पिक करेंगे इसका। सो सिलेक्ट द सेंटर एंड आप देख सकते हैं इसका सेंटर यहाँ पे आ जाएगा, ये रहा मेरा सेंटर। सो पिक द सेंटर और ये इसके साथ अलाइन हो जाएगा। नाउ इसे मूव करेंगे, तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, सिलेक्ट, एम एंटर और एंटर अगेन, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और उसका हमें बेस का सेंटर चाहिए, सिलेक्ट द सेंटर एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट फेस सेंटर। सो इसका सेंटर पिक करेंगे अगेन इस तरह से। सो ये मेरे पास सेंटर आ जाएगा। सो ये इसका सेंटर आ गया। आपने इस फेस का सिलेक्ट करना है और ये सेंटर आ जाएगा सिलेक्ट, और आप देख सकते हैं ये चीज मेरे पास आ गई। नेक्स्ट अब मुझे इसे असेंबल करना है। सो इसे मैं अगेन मूव कर लेता हूँ। पहले तो मैं इसे इस डायरेक्शन में मूव कर लेता हूँ ताकि मुझे फेस इजीली क्लियर दिखे। ये देखिए, सो मैं अब इसे मूव कर लेता हूँ अगेन, सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, एंटर और इसका बेस सेंटर, ताकि ये जो है फेस उसके फेस से अलाइन हो जाए, क्योंकि मेरा अपर जो एरिया है वो अपसाइड चाहिए मुझे और बाकी एरिया उसके डाउनवर्ड चाहिए। तो मैं इसका सेंटर पिक कर लेता हूँ। तो यहाँ से इसका ये सेंटर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये सेंटर आ रहा है, सेंटर पिक करिए और ये इस तरह से आपका असेंबल हो जाएगा। इस लाइन को आप डिलीट भी कर सकते हैं, नो इशू। सो जो मेरे पास एक्स्ट्रा लाइन है उनको डिलीट कर देते हैं। तो आपकी इस तरह से असेंबली जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो फ्रेंड्स इस तरह से आपकी ये असेंबली कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट आती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में आपको रोटेट करके दिखाया था हमारा ये जो असेंबली पार्ट था, हमारी ये जो असेंबली थी ये रोटेट कर रही थी इस तरह से। तो इस तरह से रोटेट किस तरह से कर रही है, वो ऑटोमेटिक रोटेट करेगी।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑर्बिट की ऑप्शन आती है। तो मैं अगर नॉर्मल ऑर्बिट करूं तो मैं इसे इस तरह से रोटेट कर सकता हूँ, मुझे शिफ्ट और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अगर मैं इसे फ्री ऑर्बिट करूं तो इस तरह से मैं इसको किसी भी डायरेक्शन में फ्री ऑर्बिट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो इसको एस्केप करते हैं, नॉर्मल टॉप प्लेन दोबारा करते हैं, और यहाँ पे एक चीज और आ रही है, कॉन्टिन्यूस ऑर्बिट, मतलब कि ये कॉन्टिन्यूस ऑर्बिट करता जाएगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूस रोटेट करता जाएगा। सो यहाँ पे क्या करोगे आप, ये देखिए हल्का सा मैंने इसको शिफ्ट दिया तो ये रोटेट करने लग जाएगा। सो अब ये फ्रीली रोटेट कर रहा है इस तरह से, ओके फ्रेंड्स। अगर आपको इसे एक ही प्लेन पे रोटेट करना हो, फ्रीली रोटेट ना करे, एक ही फेस पे रोटेट करे, तो किस तरह से रोटेट करेंगे हम इसे, देखिए कॉन्टिन्यूस ऑर्बिट सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसके इस एरिया के बाहर मैं इसे शिफ्ट प्रेस करके हल्का सा शिफ्ट रोटेट कर दूंगा तो ये एक ही फेस पे रोटेट करेगा। ये देखिए एक ही प्लेन पे रोटेट कर रहा है। सो इस तरह से ये रोटेट करता जाएगा। आप इसे फ्री भी रोटेट करवा सकते हो किसी भी डायरेक्शन में, और एक प्लेन पे रोटेट कराना है एक प्लेन पे भी रोटेट करवा सकते हो, ओके। सो एस्केप प्रेस करोगे तो ये वापस उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, ओके। सो इस तरह से ये वर्क करता है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और आपने काफी कुछ सीखा होगा। इसे ट्राई कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।